मीटिंग सभी थानाध्यक्ष और इसमें सभी अपर थानाध्यक्ष के साथ बैठक थी, और बड़े पैमाने पर यहाँ पे इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर जो कि थानाध्यक्ष के पद पे पदस्थापित थे उनका स्थानांतरण हुआ है, तो उस संदर्भ में भी एक ही बैठक थी। इन लोगों ने पिछले एक साल में बहुत अच्छा काम किया है, चाहे वो अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में हो, अपराध के उद्भेदन के क्षेत्र में हो, या विधि व्यवस्था संधारण के क्षेत्र में हो। और आज एक मीटिंग भी हुई थी पुलिस मुख्यालय स्तर पे, उसमें भी जो भी दिशा निर्देश दिए गए थे जो बिहार पुलिस का मोटो है जनसेवा, तो उसमें कुछ एक्शनेबल पॉइंट्स थे। एक एक 38 बिंदुओं पर, एक एक बिंदुओं पर विस्तार में सभी थानाध्यक्ष और उनके जितने कनीय पदाधिकारीगण हैं उनको बताया गया, और उसमें उनको टारगेट्स भी दिए गए कि हम लोगों को ये सारे बिंदुओं पर काम करना है और अगले 2 माह में लगातार इस पर काम करते हुए अच्छा रिजल्ट हासिल करना है। हाँ, कई पदाधिकारियों सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर में बड़े पैमाने पर तबादला हुआ है दूसरे जिलों में, और दूसरे जिलों से भी बहुत बड़ी संख्या में पदाधिकारी भागलपुर पुलिस को ज्वाइन कर रहे हैं, और ये जिनका भी टर्म पूर्ण हो गया था या माननीय भारतीय निर्वाचन आयोग के जो मानक है उसके अनुसार स्थानांतरण हुआ है। यहाँ से लोग प्रस्थान कर रहे हैं, बाकी जिलों से भी लोग यहाँ पे पदाधिकारी का नाके ज्वाइन कर रहे हैं, और उनको फिर नया दायित्व सौंपा जाएगा। सभी थानाध्यक्ष को क्लोज कर दिया गया, ज्यादातर थानाध्यक्ष को क्लोज कर दिया गया है, और चूंकि उनका स्थानांतरण हो गया है वो लोग अपने जो भी जिन जिलों में उनका पदस्थापन हुआ है उस जिलों में प्रस्थान करेंगे।